नारायणपुर जिले के छोटे डूंगर की आमदई माइंस में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए सीएफ की 9वीं बटालियन के जवान कमलेश साहू को बस्तर आईजी पी सुंदरराज, कलेक्टर अजीत वसंत, एसपी पुष्कर शर्मा, आईटीबीपी कमांडेंट शैलेश जोशी सहित जवानों और जनप्रतिनिधियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि बस्तर में लगातार पुलिस कैंप के खुलने और दूरस्थ अंचलों तक सड़क मार्गों के निर्माण से नक्सली बौखला गए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जांबाज जवान देंगे। इलाके में डीआरजी, आईटीबीपी और जिला पुलिस बल द्वारा सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया। नहीं, जैसे देखिए, कभी भी मोदी बैकफुट में रहते हैं, उसी दौरान इस प्रकार का घटनाक्रम का अंजाम देकर अपने एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, इलाके में एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के लिए उनका द्वारा कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कोई भी घटनाक्रम आइसोलेशन में समीक्षा करने के स्थान पर हमको संपूर्ण जो परिस्थिति है, जैसा पहले क्या परिस्थिति थी और अभी वर्तमान में कहाँ तक हम आगे पहुँच गए थे और आने वाले समय में हमको आगे कहाँ तक आगे बढ़ना है, इसी प्रकार की एक संपूर्ण परिस्थिति के हिसाब से हमको आकलन करना चाहिए और उसी हिसाब से जिला नारायणपुर में और आगे क्या कुछ हमको कार्रवाई करना है, उसी को हम थोड़ा कार्य योजना के तहत आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम पहले विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी नया नया एक्सेस में हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। जैसा मैंने बताया तो मतलब पल्ली बारसो रोड जो स्टेट हाईवे 5 लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ा है, जो नारायणपुर से दौड़े होकर आपका दंतेवाड़ा का बारसूर जिला तक जाते, लगभग 30 वर्ष पश्चात वो मार्ग को हमने प्रारंभ किया, उसमें पूरा संपूर्ण रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार माओवादियों का कहीं ना कहीं मतलब इलाका में पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए अपना कैडर को मनोबल बढ़ाने के लिए और क्षेत्र में एक अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए माओवादी द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम का अंजाम देने का भी एक संभावना दिखाई दे रहा है। फिर भी हमको जहाँ जहाँ हमारा कमजोरी रह गई उसको पूर्ति करके आगे कैसा मजबूती से बढ़ना है, उसी दिशा में हम लोग अभी समीक्षा करके आगे कार्रवाई भी करेंगे। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।